एयरफोर्स विंग कमांडर अभिनंदन की भारत वापसी का सच बताने वाले पाकिस्तानी नेता अयाज सादिक की मुश्किलें इन दिनों काफी बढ़ गई हैं। इन बढ़ती मुश्किलों की वजह है इमरान सरकार का अयाज सादिक के प्रति कड़ा रवैया, क्योंकि पाकिस्तान की इमरान सरकार उन पर देशद्रोह का मुकदमा दायर करने की फिराक में है। पहले तो इमरान सरकार में सूचना मंत्री शिबली फराज ने कहा था कि अयाज सादिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, पर अब पाकिस्तान के गृह मंत्री ब्रिगेडियर इजाज शाह ने शनिवार को कहा कि सरकार को कई ऐसी याचिकाएं मिली हैं जिनमें अयाज सादिक के खिलाफ संविधान की धारा 6 यानी देशद्रोह के तहत मुकदमा चलाए जाने की मांग की गई है। शाह ने कहा कि इन याचिकाओं को फिलहाल कानूनी विभाग के पास भेज दिया गया है और इनकी समीक्षा की जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पाकिस्तान की संसद में अयाज सादिक दिया गया एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें पीएमएलएन नेता अयाज सादिक कह रहे हैं कि अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है कि शाह महमूद कुरैशी उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने आने से इनकार कर दिया था। चीफ अवामी साहब तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीना माथे पर था, और हमसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि खुदा के वास्ते अभिनंदन को वापस जाने दें, क्योंकि रात के 9 बजे हिंदुस्तान पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है। बता दें कि भारत द्वारा पुलवामा अटैक के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की करतूत का जवाब देते हुए भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था। हालांकि डॉग फाइट में विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उन्होंने सफलतापूर्वक इजेक्ट किया और पीओके में लैंड किया था, जहां उन्हें पाकिस्तानी सेना द्वारा बंदी बना लिया गया था। परंतु पाकिस्तान ने भारत के दबाव और प्रतिक्रिया से डरकर अभिनंदन को रिहा करने का फैसला किया था, और पाकिस्तान के सांसद अयाज सादिक ने भी इसी की पुष्टि की है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।